कोविड के बाद आप पेपर मार्केट का क्या परिदृश्य देखते हैं? या कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट आया है पेपर इंडस्ट्री पे। दो साल से मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत है। अगर हम लोग जैसे राइटिंग प्रिंटिंग एंड कॉपियर सेगमेंट में हैं, तो राइटिंग प्रिंटिंग क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी और कोर्ट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब एक बार को बंद हो गए थे, तो उसकी वजह से राइटिंग प्रिंटिंग पेपर पे खास तौर से काफ़ी इम्पैक्ट आया था। और अब ये रिकवर हो रहा है, जैसे जैसे स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब खुल गए हैं, अब मार्केट स्टेबल की तरफ है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने से मार्केट में अच्छी डिमांड है और तेज़ी आई है। इसका बैकग्राउंड ये भी है कि रॉ मटेरियल्स भी काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। फ्यूल जो हमारा एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। कोल की कॉस्ट पहले से डबल हो चुकी है। वेस्ट पेपर प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। हम लोग क्योंकि एग्रीकल्चरल रेजिड्यू में हैं, तो हमें वेस्ट पेपर के प्राइसेस का तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एग्रीकल्चरल रेजिड्यू की भी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ी रही है। तो मार्केट तो अभी नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। आप पेपर मार्केट को सामान्य स्थिति में पहुँचने में कितना समय देखते हैं? आई थिंक पोस्ट कोविड की नॉर्मेलिटी तो आ चुकी है, अब मार्केट स्टेबल है। मार्केट में अब डिमांड जितनी प्री कोविड थी, मैं समझता हूँ उतनी अगर नहीं भी पहुँची है तो अगले महीने तक वो पहुँच जाएगी। एक बहुत अच्छा हमले एक सेगमेंट आफ्टर कोविड सभी मिल वालों को मिला है, दैट इज़ कप स्टॉक। कप स्टॉक ने भी मार्केट में एक अच्छा रोल प्ले किया। नई शिक्षा नीति पेपर इंडस्ट्री के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? बहुत बेनिफिशियल होगा पेपर इंडस्ट्री के लिए। नई पॉलिसी में नई पब्लिशिंग होगी, नई बुक छपेंगी और डिमांड ग्रो होगी काफ़ी। चूँकि सरकार का झुकाव ई लर्निंग के प्रति अधिक है, तो आप पेपर के संबंध में इस झुकाव के प्रभाव को कैसे देखते हैं? ई लर्निंग भी कहीं ना कहीं पेपर को सपोर्ट ही करेगी। अगर पब्लिशिंग कम होगी तो कॉपियर बिकेगा, बच्चा तो नोट्स जो पढ़ेगा वो पेपर से ही पढ़ेगा, अपना कॉपियर से प्रिंट आउट निकालेगा और फिर पढ़ेगा। भारत में वेस्ट पेपर शिपमेंट पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के कारण पिछले महीने इम्पोर्टेड ओसीसी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी। अब कीमतें स्थिर हैं और कीमतें गिर गई हैं। कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण पेपर मिल्स और पेपर कन्वर्टर के बीच कीमतों के मोर्चे पर कई जुबानी लड़ाइयाँ देखी गई हैं। आप प्रतिबंध के दौरान पेपर मिलों को कैसे देखा और पेपर उद्योग को प्रतिबंध के बाद कैसे देखते हैं? करीब करीब ये पिछले 6-8 महीने का चल रहा था, जिसमें यूरोप से ओसीसी वगैरह नहीं आया, उसकी वजह से भी काफ़ी प्राइस कोरोगेशन में बढ़े हैं। इनफैक्ट उसकी वजह से इंडियन वेस्ट पेपर भी काफ़ी महंगा रहा, लेकिन अभी वो खुल चुका है और इंडियन वेस्ट पेपर डाउन आ चुका है, लेकिन इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर को डाउन आने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। उससे एक फ़र्क थोड़ा सा ये पड़ा है, क्योंकि यूरोप में मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वहाँ पर ओसीसी सरप्लस हो गया था, तो कुछ ना कुछ प्राइस वहाँ पे डाउन रहे होंगे, तो इसलिए वहाँ की कुछ फाइन पेपर की मिले क्राफ्ट पेपर में शिफ्ट हुई हैं। उससे हम ये देख रहे हैं कि यूरोप और गल्फ़ कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में राइटिंग प्रिंटिंग पेपर की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ शिफ्ट हुई हैं वो वहाँ पर सरप्लस ओसीसी रहा है, इसलिए भी वहाँ की कुछ इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है। सुनने में आया कि यूरोपियन अथॉरिटी वेस्ट शिपमेंट को रेगुलेट करने जा रहा है। यदि यह रेगुलेशन होता है तो इम्पोर्टेड ओसीसी प्राप्त करना एक चुनौती वाला काम होगा। इस स्थिति में भारतीय पेपर मिलों के पास क्या विकल्प है? देखिए, अभी भी जो वेस्ट पेपर का कलेक्शन है अभी भी इंडिया में काफ़ी कम है। अगर परसेंटेज ऑफ कलेक्शन डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो वो काफ़ी हाई है और यहाँ पर काफ़ी कम है।
जैसे जैसे वेस्ट पेपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कलेक्शन रेट भी इम्प्रूव हो रहा है, और जैसे जैसे कलेक्शन रेट होगा यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, और वेस्ट पेपर की आने वाले टाइम में कलेक्शन बढ़ेगी तो अवेलेबिलिटी मिलती रहेगी। विश्व पैकेजिंग संगठन के अनुसार प्लास्टिक उद्योग की तुलना में पेपर मिल्स एनर्जी इंटेंसिव, रिसोर्सेज इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, जबकि प्लास्टिक बनाने में कागज बनाने के मुकाबले 7 गुना कम प्रभाव पड़ता है। आप इस दावे को कैसे देखते हैं? मैं उस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और वो उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या उनका बेसिस है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन पेपर एनर्जी इंटेंसिव भले ही हो, भले ही वाटर इंटेंसिव हो, लेकिन पेपर इंडस्ट्री ने आज इतने काम कर चुके हैं। आज क्राफ्ट की मिलें चल रही हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे चल रही हैं, डुप्लेक्स की बहुत मिलें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे चल रही हैं, जो गवर्नमेंट के CPCB के चार्टर्स हैं वो हम पूरी तरीके से कंप्लाई करा रहे हैं, और मैं नहीं समझता, और रिन्यूएबल है, इसका जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा रिन्यूएबल है। इनफैक्ट जो मैं तो ये कहूँगा कि जो ट्री बेस्ड भी हैं, हालांकि हम लोग तो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू बेस्ड हैं और एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है हम लोग उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इनफैक्ट जो इंडिया में ट्री बेस्ड भी पेपर मिले हैं वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि उन्हीं वजह से फार्मर्स को, उन्हीं मिलों की वजह से फार्मर्स मोटिवेट होते हैं ट्रीज़ को लगाने के लिए। अब पेपर इंडस्ट्री कोयले की चुनौती से गुजर रहा है, कोयले की इस कमी के पीछे आप क्या कारण देखते हैं और इस चुनौती का पेपर बनाने में आप क्या प्रभाव देखते हैं? ये वर्ल्ड वाइड है और कोल की क्राइसिस आने वाले कुछ समय तक रह सकती है, हो सकता है इसमें 6 महीना लगे या साल भर लगे, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसी वजह से मार्केट के प्राइस में भी बढ़ोतरी है और ये बेस प्राइस बढ़े ही रहेंगे ड्यू टू कॉस्ट प्रेशर। क्या आपको नहीं लगता कि पेपर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से किंडल जैसे अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडिंग डिवाइसेस की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा? आप इसे कैसे देखते हैं? जितना होना था वो सब पैरेलली चलता है, और ई लर्निंग भी अपनी तरह काम करेगी, करती रहेगी, और कागज़ अपनी तरह काम करेगा। जो बच्चे को लिखने का काम है वो तो नोटबुक पे या कॉपी पे ही करेगा, जो प्रिंटआउट किसी को चाहिए वो कॉपियर पे निकलेंगे, और लव फॉर बुक्स जिसको है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हाल ही में क्या आपने कोई नया पेपर प्रोडक्ट लॉन्च किया है? हम लोगों ने पिछले 3 महीने में कप स्टॉक लॉन्च किया है और वो हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट भी काफ़ी कर रहे हैं उसको। कॉपियर सेगमेंट में हमारा जो पहला बिंदल फाइन प्रिंट्स के नाम से है वही हमारा कंटिन्यूड है और अच्छा हमारा स्टेबल मार्केट है उसका। एनी एक्सपेंशन यू आर प्लानिंग सर? वी आर गोइंग फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हम लोग रॉ मटेरियल हमारा 100% सिक्योर रहे उसके लिए हम लोग एक शुगर मिल एंड डिस्टिलरी प्लान कर रहे हैं। आपका लोकेशन कहाँ चूज़ करी सर? बिजनौर। थैंक यू सर।